वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अभी हम आपको मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नेगेटिविटी। लोगों में मनफी सोच बहुत आई जाती है। हम जब बात करते हैं कोई चीज़ का पर्सपेक्टिव देखने की, तो हम हर चीज़ का उसके अंदर से नेगेटिव पहलू पहले अडेप्ट करते हैं और बाद में फिर हम उसकी पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, और कभी कभी तो पॉजिटिविटी की तरफ आते भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है और इसको ओवरऑल एजुकेट करने की हमें किस तरह से ज़रूरत है। उसके लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोफेसर जफर जमाल हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और सबा शबीर शेख होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले सर आपकी जानकारी मांगूंगी, हम बात करते हैं नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच की बेसिकली है क्या, जो लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। देखिए, नेगेटिव सोच से सिंपल हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ का मनफी पहलू लेते हैं और इंसानी मामलात के हवाले से, इंसानी ताल्लुकात के हवाले से आपको किसी के किरदार के बारे में, बिहेवियर के बारे में, उसकी सोच के बारे में अगर शक व शुबहात हों और वो शक व शुबहात हद से बढ़ जाएं और वो कोई ना कोई अकली शक्ल अख्तियार करते रहें तो इसे हम नेगेटिव सोच कहेंगे। अब ये नेगेटिव सोच आपके बिहेवियर में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। बेसिकली नेगेटिव सोच की जो मजमू हमारे यहाँ इस वक्त आप इसे वजह समझना चाहें, एक जो इसका रुख है वो ये है कि सामाजिक घुटन किसी ना किसी तरह से हमेशा ही हमारे ज़्यादा रही है, और बुनियादी वजह नेगेटिव सोच की सामाजिक घुटन होती है, और इस सामाजिक घुटन से कुछ तबकात इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। मतलब बिल्कुल मुमकिन है कि वो ऐसे तबकात जो हमारे मेन स्ट्रीम का हिस्सा ना बन सकें, एजुकेशन का उनको तालीम ना मिल सके, या उन पर और सोशल फैक्टर अहम रहें, तो इस लिहाज से इम्कान है कि वो इस मनफी सोच का ज़्यादा शिकार होने का उनका इम्कान। ठीक हो गया। अच्छा सबा, हम जब बात करते हैं नेगेटिविटी की तो बहुत सारे पहलुओं में, चाहे हम घर पर हैं, ऑफिस में हैं, जब भी कोई बात हो, जब भी कोई ऐसी बात हो, हम नेगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं ना कि पॉजिटिव को, और हमारे लिए नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिव लोग बहुत कम हैं। मैं ये कहूँगी कि नेगेटिविटी बेसिकली हमारे घर से जनरेट होती है। मतलब चाइल्डहुड में जब बच्चा छोटा होता है वो देख रहा होता है घर के माहौल में कुछ चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं बनाते, हम सीखते हैं तो हमारे अंदर आती है। तो बेसिक जो हमारे घर का माहौल होता है वो हमें नेगेटिविटी सिखाता है। जब हम नेगेटिव रवैये देखते हैं अपने माँ बाप के ताल्लुकात में, चीखने चलाने में, मतलब बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए सूटेबल नहीं जिस एज में, वो देखना शुरू कर देते हैं, और हमारा थिंकिंग पैटर्न सारा का सारा डिपेंड करता है जो हम चीज़ देखते हैं। कभी ये नहीं हो सकता कि सोच हमारी खुद हमने बना ली या किसी ने डाल दी। हम किसी की सोच देने से कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए हर इंसान अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अपने मुताबिक सोचता है। तो अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि मैं नेगेटिव इसलिए हो गया क्योंकि मेरे साथ सारे नेगेटिव लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है। आपने जो ऑब्जर्वेशन की है चाइल्डहुड से अब तक, वो सारी शायद नेगेटिव थी, जिसकी वजह से आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, क्योंकि हमारी सोचें जो होती हैं वो मजमुआ है जो भी चीज़ हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं या जो सीखते हैं। और होता ये है कि अक्सर औकात हम जैसे पेशेंट्स को देखते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फोबियाज, इस तरह की बीमारियों के साथ आने वाले लोग हमेशा नेगेटिव सोचों का शिकार होते हैं। और हर इलनेस किसी भी चीज़ को हम देखते हैं न्यूरोसिस में, उसमें ज़्यादा रोल जो होता है वो नेगेटिव थॉट पैटर्न का होता है। थॉट पैटर्न बनता है हमारे बिलीफ सिस्टम से, बिलीव्स हमारे बनते हैं हमारे घर के माहौल से, और इसी से हमारी फीलिंग्स बनती हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सैडनेस आ रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, या हम लोगों के दरमियान एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ये सिर्फ एक हमारी फीलिंग है। ये सब का सब हमारी थॉट से आता है। लाइक हम कहीं भी जाते हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न अगर एक ही है कि ये बंदा मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा, ऐसा ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारा जो सोचने का तरीका है वो इतना मनफी हो चुका है कि हमें पॉजिटिव देखना ही नहीं आता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी एक शेल्टर है जो हमारी आंखों के आगे आ चुका होता है, जिसे पर्दे को हटाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा जफर जमाल साहब, चूँकि हम बच्चों इनिशियल लेवल से बात करें, बहुत छोटी एज में बच्चों में नेगेटिविटी, उनके घर में उनके ऑब्जर्वेशन शायद बहुत तेज़ होती है, हम उनके सामने या उनके इर्द गिर्द भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज बांट रहे होते हैं जो वो एब्जॉर्ब करते हैं। आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पर भी कुछ
जब ऐसे मामलात होते हैं, फिर आगे फर्दर उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। बच्चों को अभी से एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, पॉजिटिविटी लाना टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, घर वालों की भी जिम्मेदारी है, किस तरह से हम एक ओवरऑल सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? देखें, जो आपने बात की इसके दो रुख बनते हैं, एक इसका माइक्रो लेवल है यानी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे और स्कूल लेवल पे हम चीज़ों को दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। बहरहाल ये मैडम ने जैसे कहा ये बुनियादी बात है कि फैमिली का एक अहम रोल है, लेकिन बहरहाल फैमिली कल्चर और सोसाइटी से अलग नहीं है। ना हम फैमिलीज को किसी आइसोलेशन में, किसी आइसलैंड में फैमिली बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेरेंट्स का इंतहाई बुनियादी रोल है। पेरेंट्स जहां उन बच्चों के लिए इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, उनकी तरबियत के लिए आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी मॉरल ट्रेनिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपके नेगेटिव थॉट्स से मुराद ये है कि आपकी दूसरे लोगों के बारे में जजमेंट होती हैं, जो स्टेटमेंट होती है थर्ड पर्सन के बारे में, बच्चा उसको सीरियसली ले रहा होता है। फिर आपके नेगेटिव बिहेवियर्स कि जो आप नेगेटिव बिहेवियर्स बच्चों के साथ और बच्चों के सामने दूसरों के साथ अडॉप्ट करते हैं, इनके बारे में ज़रूरी है कि पेरेंट्स ना सेल्फ एजुकेशन करें। अगर पेरेंट्स बहुत सारे और मामलों में सेल्फ एजुकेशन करते हैं, कैरियर के बारे में करते हैं, हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों के इन साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट के बारे में उनको सेल्फ एजुकेशन करनी चाहिए। अब जहाँ तक रहा स्कूल का, यानी इंस्टीट्यूशन का ये काम है कि जो हमें कल्चरल सेंस में एक नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि कल्चरल घुटन है, कल्चर में हमारे कई बेसिक बिलीफ, नॉट रिलीजियस बिलीफ, बिलीफ इन साइकोलॉजिकल सेंस, वो नेगेटिव होते हैं, उसका उन नेगेटिव बिलीफ की कंपनसेशन इदारों ने करनी होती है। इदारों में अब स्कूल का रोल ये है कि स्कूल में जितने ऐसे स्टेप्स जिनसे नेगेटिविटी जनरेट ले सकती है, वो एक उनको मतलब रियासती सतह पर हुकूमत को सोचने चाहिए। किस तरह के हो सकती है जिनसे नेगेटिव? पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है। आप बच्चे को बुलाते कैसे हैं? आपने बच्चे का होमवर्क बताना है कि आपने नहीं किया, तो आप उसे एक नेगेटिव इमेज देते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस बोल के। अब उसी सेंटेंस को आप चेंज करके भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल सतह पर। लेकिन पूरे स्कूल की सेटिंग जो है, पूरे स्कूल की सेटिंग, उसको आप इस तरह से बनाया जा सकता है कि नेगेटिव इमेजेस जाने की बजाय वहाँ से पॉजिटिव इमेज जनरेट हो, मतलब विजुअली रिच स्कूल हो, कलरफुल स्कूल हो, ठीक है। टीचर का ओवरऑल एटीट्यूड जो है वो उसका पॉजिटिव हो, और इसके लिए बेटर ये है कि बाकायदा इसको एक मसला समझते हुए स्कूल में, मतलब टीचर्स के साथ इसका सेशन करें, जो हेड टीचर्स होती हैं कि वो सेशन करें नेगेटिविटी क्या है, और जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें। नेगेटिविटी सिर्फ ये मसला नहीं है कि बच्चों को ट्रांसमिट होती है, नेगेटिविटी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसके रास्ते में हायल होती है, क्योंकि नेगेटिविटी एक सतह पे जिसकी नेगेटिविटी जिसके अंदर उसकी ज़रूरत बन जाती है, जब तक वो नेगेटिव स्टेप नहीं लेगा उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो वो नेगेटिव स्टेप यही होता है कि वो, और वो खुद को सेफ रखता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द रिलेशनशिप में वो किसी ना किसी तरह नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो उन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए ना एक बड़े इंटेलेक्चुअल सतह पे हमें सोसाइटी में जो पूरा ओवरऑल चेंज की ज़रूरत है, हाँ, जो घुटन का कल्चर है उसको सोचना चाहिए, और उसमें वो जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें स्टेट का रोल है कि आपको रिक्रिएशन, कथायरसिस के मौके, बाकी सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा करे, इजी करे, इक्वलाइज करे। ठीक हो गया, सही हो गया। अभी जैसे प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे कि हमने देखा कि घुटन का जो एक माहौल है, बच्चों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, चाहे ओवरऑल हम बात करें, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं हम ये बात भूल जाते हैं, हम बच्चों के फिजिकल हेल्थ पे बहुत फोकस करते हैं, उनके एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ जो है ना उस पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। और मुझे लगता है जब तक आप मेंटली फिट नहीं होते तब तक बहुत सारी चीज़ें आप नेगेटिविटी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम इंस्टीट्यूट के लेवल पर भी काम कर सकते हैं, मैं ये कहूँगी कि हम टीचर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर्स पे एक प्रेशर होता है, उनके फाइनेंसेस, उन्हें इतने अच्छी तरह से सैलरीज नहीं मिल रही होती। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं, काउंसलर्स का रोल स्कूल में रखें। हाँ,
क्योंकि देखिए बच्चा अपने टीचर के साथ कभी भी इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता जितना वो क्लास के बाहर किसी से बात करेगा। तो अगर तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें पॉजिटिविटी हो और बच्चे, क्योंकि बच्चे ने ही बड़ा होके सब कुछ करना है, लेकिन अगर बच्चा ही नेगेटिव होगा तो वो बड़ा होके सोचे, जैसे इस वक्त हरासमेंट बहुत है और हम हर तरह की नेगेटिव चीज़ें अब्यूज़ देख रहे हैं, इमोशनल अब्यूज़ है, फिज़िकल है, साइकोलॉजिकल है, तो उसके रीज़न ये है कि इसी तरह के बच्चे नेगेटिव बड़े होकर ऐसे गलत कामों में आ जाते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि एक तो टीचर्स की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनका उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, एक उनके लिए काउंसलर हो जो उनको थोड़ा सा उनका कैथारसिस हो सके, उससे वो रिलैक्स हो सके। दूसरा ये कि हमें अगर लगता है कि हम टीचर्स के लेवल पे इतना काम नहीं कर सकते, जो कि मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट हमारी अभी तक नहीं कर सकी, जो कि बड़ी देर से बात हो रही है कि टीचर्स की ट्रेनिंग हो, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, उनके ऊपर से प्रेशर ख़त्म किया जाए ताकि बच्चों पे बुरे इम्पैक्ट्स मत आएँ। क्योंकि मैं अक्सर औकात देखती हूँ बच्चे हमारे पास आते हैं तो बच्चा टीचर की सही नकल उतार के दिखा रहा होता है कि कैसे उन्होंने मुझे कहा था, इतना मुंह खोल के, ऐसे आंखें निकाल के। तो बच्चा बेसिकली वो टीचर से सीख रहा है या माँ से सीख रहा है। हमारे साथ कॉलर हैं जी शाहिद अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है मैम आपका? खैरियत से? ठीक ठाक जी। शाहिद साहब क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये जफर जमाल साहब से सवाल करना चाह रहा था, बल्कि बेसिकली सवाल नहीं है, कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये नेगेटिविटी के हवाले से एक दो बातें मैं करना चाहूंगा। एक तो ये कि हम दूसरों की बात जब हम सुनते हैं तो हम समझने की बजाय उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से मसले ज्यादा जो है ना वो पेश आते हैं। दूसरी ये है कि हम अपनी जो मसले मसाइल होते हैं वो दूसरों के ऊपर वो असरअंदाज करते हैं, जिस वजह से ये भी हमें ये फील होता है, ये जो जो भी मामला हमारी जिंदगी में हो रहे होते हैं वो जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैलती है। तो हमें चाहिए ये कि हम अपने इंडिविजुअल एफर्ट, ना कि अपनी गलतियां जो हैं वो दूसरों के ऊपर वो डालने की बजाय, अगर हम अपने ऊपर सिर्फ अपने ऊपर वर्किंग करें तो बाय एन इंडिविजुअल एफर्ट वी कैन सर्वाइव एंड वी कैन ओवरकम दिस इशू। लवली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग चायदरी, बहुत शुक्रिया। जरूर सर, ये बिल्कुल बात है कि हम लोगों को रिएक्ट करते हैं, हम उनकी बात समझते नहीं है। अगर शायद हम समझना शुरू हो जाए या सुनने की आदत ही अपना ले तो बहुत सारे मसले हल हो जाए। इसमें देखिए जो शाहिद साहब ने कहा, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा इजाफा ये करूँगा कि इंसान साइकोलॉजिकल बीइंग तो है, लेकिन उस साइकोलॉजी में इंसान की अकल या रैशनैलिटी का भी हिस्सा है। मतलब जिस तरह फर्ज किए, जैसे मैडम ने कहा कि आप किसी पूरे नेगेटिव एनवायरनमेंट का शिकार रहे हैं, इसके रिएक्शन में आप पॉजिटिव सोच भी सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट मिला होता है, लेकिन अल्टीमेटली लर्न फ्रॉम दैट। वो कहते हैं कि हमारे से बुरा हाँ, लोगों के साथ हाँ, अच्छा करके वो रह नहीं सकते उस नेगेटिविटी में हाँ। तो वो अपने आप को एक पॉजिटिव बीइंग में चेंज कर लेते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, असल में जो गैप है आप दूसरे की कही बात और आपके रिएक्शन में, वो रीजन या शऊर से होता है कि आपको पता है ये ऐसा कह रहा है तो मैंने इसका क्या जवाब देना है। इसकी टेक्निक थोड़ी सी, एक जो हम जो लेटर एज में लोग अडेप्ट करते हैं मुख्तलिफ टेक्निक, एक ये हो सकता है कि आप अपने रिस्पांस जो हैं उनको थोड़ा सा बिहेवियर को ना थोड़ा सा टेक्निक से स्लो करें। स्लो से मुराद ये नहीं है कि आप बहुत स्लो हो गए, ये है कि दूसरे की बात सुनी, सेकंड्स का गैप दिया, उसका एनालिसिस किया, देन यू रिस्पॉन्ड। अगर आप जिस तरह से हमारी आज की लाइफ की स्पीड है, हम जल्दी जल्दी जवाब दे रहे होते हैं, फौरन दे रहे होते हैं, तो वो सारा सिस्टम आपके ऑटोनॉमिक शिफ्ट हो जाता है और आप जो है रीजन आपकी पूरी तरह काम नहीं कर सकते। सही हो गया, ठीक। अच्छा सबा, जैसे हमारे कॉलर ने कहा कि अभी हम अगर सुनने की आदत अपना लें, सुनने की आदत नहीं हमारे में, लिसनिंग हमारी पुअर है, इसी की वजह से हम ज़्यादा नेगेटिव हैं। क्योंकि अक्सर उकात कोई पॉजिटिव बात भी कर रहा होता है तो हमें लगता है कि नहीं, इसने मुझे कहीं ना कहीं से जज किया है और कहीं ना कहीं इसने मुझे टॉन्ट किया है। ये लफ्ज इतना इम्पॉर्टेंट है, आप किसी से भी कोई भी गुफ्तगू कर रहे हो ना तो वो आपको बातों बातों में बताएगा कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, उसने मुझे इस तरीके से बात लगा के टॉन्ट किया, जबकि दूसरे इंसान को आपकी उस सिचुएशन की खबर भी नहीं होगी। मतलब दूसरा, हम एक और चीज़ बहुत करते हैं, हम इंसिडेंट्स को कोइंसिडेंट्स को रिलेट करते हैं। इंसिडेंट्स तो एक और चीज़ है, कोइंसिडेंट जो अचानक से चीज़ हो गई जिसका कोई रोल नहीं, हम उसको रिलेट करके, जैसे सुबह मैं निकली, और अक्सर हम ये भी कहते हैं कि आज का दिन मेरा बड़ा ख़राब है,
लोगों ने नेगेटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव डेज नेगेटिव टाइम्स सारे एसोसिएट कर दिए, सब कुछ बनाया हुआ होता है और कुछ नहीं भी होता तो वो उसको वेट कर रहे होते हैं, आज थर्सडे है तो मेरे साथ ये सारा कुछ आज होगा ही होगा, मेरा फ्राइडे बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अक्सर औकात लोग बड़े पॉजिटिव लोगों से मैं ये अल्फाज सुनती हूँ, आई यूज टू गो टू जिम तो वहाँ मैं अक्सर इतनी पॉजिटिव लोगों से मिलती थी और वो इस तरह की बातें कर रहे होते थे, तो इसका मतलब कि हमारे मुआशरे से हमारे माहौल से हम हर किसी में नेगेटिविटी थोड़ी बहुत 20-30% होती है, लेकिन बात यह है कि हमने उस नेगेटिविटी को आगे ट्रांसफर करना है या उसके वो अपने अंदर ओवरकम करना है, हम पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली, बेसिक हमारी कॉपिंग स्ट्रेटजी इसका अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि हर बंदे में नेगेटिविटी होती है लेकिन हमें पता होना चाहिए हमने उसके साथ डील कैसे करना है और अपनी लाइफ को पॉजिटिव लेके कैसे ठीक हो गया। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनाब आज का टॉपिक हमारा यही था कि नेगेटिविटी क्यों इतनी ज्यादा है, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो क्यों इतने इर्द गिर्द हम अपने ऊपर भी इन्फ्लुएंस उसका आने देते हैं, पॉजिटिविटी बांटे, पॉजिटिव रहे, अपनी नेगेटिविटीज को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तभी आप एक हेल्दी लाइफ और जितनी ज़रूरी मैं सबको एक मैसेज दूंगी कि आपके फिजिकल हेल्थ है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ है, और हम सबको ये बात समझने की बहुत अच्छी ज़रूरत है क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आपको फैशन से रिलेटेड भी कुछ मेहमानों से मिलवाएंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।